देश में नोटबंदी के फैसले के बाद शुक्रवार को इसका 10वां दिन था। 10 दिन के बाद हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। एटीएम और बैंक के ब्रांचों के बाहर कतारें अब भी हैं, लेकिन ये छोटी हो रही हैं। मुझे तो लगता है अच्छे के लिए कर रहे हैं मोदी जी, जो कर रहे हैं। अभी तो इतना मेरा 26 साल उम्र हो गया, मैं कभी तो ऐसा प्रधानमंत्री मुझे दिखाई नहीं दिया जो अच्छे काम कर रहा है। सरकार के एक ताजा फैसले के अनुसार शुक्रवार से पेट्रोल पंप से तेल ही नहीं कैश भी मिलने लगा। शुरुआती दौर में ये सुविधा देश भर के 2500 पेट्रोल पंपों पर दी गई है, जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्वाइप मशीनें उपलब्ध हैं। बढ़िया है, लोगों को फायदा है, हमें भी इतना कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा रोज। जिनके परिवार में शादी है वो कार्ड दिखाकर 2.5 लाख रुपए तक बैंक से निकाल सकते हैं। शादी वाले माहौल के घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो इस डिसीजन से मेरे को लगता है शायद बहुत ज्यादा सहूलियत मिलेगी हम जैसे लोगों। सरकार का कहना है कि बैंकों के पास कैश की कोई कमी नहीं है। एज यू नो कैश लीव्स नो फुटप्रिंट, बट व्हेनेवर यू गो डिजिटल देयर इज ऑलवेज अ फुटप्रिंट, एंड दिस इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी। गुड इन दिस सेंस दैट इवन स्मॉल ट्रेडर्स टुडे वी आर नॉट एबल टू फंड देम बिकॉज वी हैव नो रिकॉर्ड ऑफ व्हाट इज देयर टर्नओवर and therefore no understanding of their requirement. Does that mean that they don't have requirement? It doesn't mean that. They do have requirement. Currency hai, wo gradually abhi, kafi disburse hoti ja rahi hai, interiors mein pahunch rahi hai. Dheere dheere, jo number of ATMs jo calibrate ho rahe hai, 2000 rupees ke liye, 500 rupees ke liye, unka number bhi badh raha hai. To in fact, har tarah se actually situation improve hoti ja rahi hai. सरकार के इस फैसले की हर ओर तारीफ भी हो रही है। हमें ऐसा लगता कि ये एक अच्छा क्रांतिकारक निर्णय है। सरकार के फैसले की जनता भी तारीफ कर रही है। भले ही लोगों को शुरू में थोड़ी दिक्कतें हुई हों, लेकिन अब हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। डीडी न्यूज़।